विश्व का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूरी हीरा, भारत की शान था, भारत का गौरव, भारत की गरिमा, उसे विदेशियों ने चुरा लिया, छुपा लिया, तोड़ फोड़ दिया, टुकड़े कर दिए, पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन भारत की इस धूल भरी धरती ने हमें एक और कोहिनूर हीरा दिया जिसका नाम है ओशो। इस कोहिनूर हीरे ने पूरे भारतवर्ष को कोहिनूर हीरों से भर दिया। जहां देखो वहां ओशो के सन्यासी दिखाई देंगे, जहां देखो वहां ओशो का साहित्य दिखाई देगा, जहां देखो वहां ओशो के विचार दिखाई देंगे, जहां देखो वहां ओशो का सौंदर्य, जहां देखो वहां ओशो का संगीत, जहां देखो वहां ओशो की सुगंधि। ओशो क्या कहते हैं, ओशो कह क्या रहे हैं, जरा इस बात को तो देखो। ओशो ने हमें नाचता हुआ धर्म दिया, ओशो ने हमें गाता हुआ धर्म दिया, ओशो ने हमें गुनगुनाता धर्म दिया, ओशो ने हमें हंसता हुआ धर्म दिया, ओशो ने हमें मस्ती में झूमता हुआ धर्म दिया, ओशो ने हमें संगीत की सुर लहरियों में बहता हुआ धर्म दिया। ओशो ने क्या कहा, ओशो हमें कह क्या रहे हैं, मैं यही आपको बता रहा हूं कि ओशो कह क्या रहे हैं। ओशो यही कह रहे हैं कि तुम नाचो, तुम हंसो, तुम खेलो। ओशो कह रहे हैं तुम्हारे पांव में घुंघरू मत जानी चाहिए, तुम्हारे पांव फेंकने चाहिए। परमात्मा की पूरी प्रकृति नाच रही है, हंस रही है, खेल रही है। सूरज को देखो, चांद को देखो, तारों को देखो, सितारों को देखो, पर्वतों को देखो, नदियों को देखो, पेड़ों को देखो, पौधों को देखो, पशुओं देखो, पक्षियों को देखो, पूरी प्रकृति नाच रही है, हंस रही है, खेल रही है, फिर ये मनुष्य को क्या हो गया। ओशो पूछ रहे हैं इस मनुष्य को क्या हो गया, ये इतना उदास, ये इतना निराश, ये इतना हताश, ये इतना गमगीन। ओशो पूछ रहे हैं ये इतना खोया खोआ, इतना उजड़ा उजड़ा, इतना बर्बाद, इतना अशांत क्यों दिखाई दे रहा है ये। ओशो हमें जीवन को जीने की एक कला दे रहे हैं, ओशो हमें जीवन का एक ढंग बता रहे हैं, एक रंग बता रहे हैं, एक प्रकार बता रहे हैं, एक शैली बता रहे हैं। ओशो हमें किसी गलत मार्ग पर नहीं ले जा रहे हैं, ओशो ने हमें कोई भी गलत चीज नहीं दिया, गलत चीज नहीं दिया। मैं आपको कह रहा हूं अपने अनुभव के बल पर, एक बात आप लोगों को कह दूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ना तो मैं ओशो आश्रम का सन्यासी हूं और ना ही ओशो आश्रम के सन्यासियों से मेरा कोई खास परिचय है, सिर्फ विट्ठल जी से फोन पर बात हुई है। मैंने ओशो को पढ़ा, मैंने ओशो को जाना, मैंने ओशो को पहचाना, मैंने ओशो की गहराइयां नापी और मैंने ओशो के कदमों को देखा कि कैसे कदम रख रहे हैं, उसी के अनुभव पर मैं बोल रहा हूं। मुझे किसी का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, मुझे अपने जो विचार व्यक्त करने होंगे मैं वो निर्भीकता से व्यक्त करूंगा। ओशो अद्भुत हैं, ओशो अनूठे हैं, ओशो अद्वितीय हैं, ओशो अलौकिक हैं, ओशो हिमाच्छादित हिमालय की तरह ऊंचाई रखते हैं, ओशो प्रशांत महासागर की तरह गहराई रखते हैं, ओशो एक विशाल वट वृक्ष की तरह है जिसका कोई भी ओर छोर नहीं है। मैं अपने अनुभव के बल पर कह रहा हूं जो कि मैंने उनका पूरा साहित्य पढ़ा है और मैंने देखा है। ओशो जैसा संत, ओशो जैसा सज्जन, ओशो जैसा सत्पुरुष, ओशो जैसा ज्ञानी, ओशो जैसा गुणातीत, ओशो जैसा प्रज्ञा पुरुष और ओशो जैसा सर्वतोमुखी प्रतिभा का धनी और ओशो जैसा वक्ता और ओशो जैसा लेखक आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा।
पृथ्वी के कोने कोने पर भी आप ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। केवल आपसे यही प्रार्थना है कि केवल सुनी सुनाई बातों पर या लोगों की कही कहाई बातों पर विश्वास मत करिए, आप आदि से लेकर अंत तक ओशो को पढ़िए। ओशो को पढ़ने के लिए हमारे पास समय तो है नहीं और इतनी गहराई भी हमारे पास नहीं है और इतनी ऊंचाई भी हमारे पास नहीं है और इतनी चीजें भी। तो मैं कह रहा हूं ऐसा अद्भुत अनूठा महापुरुष मिलना ही मुश्किल है और यदि कदाचित हमें मिल जाए तो उसका पहचानना और भी ज्यादा कठिन है। कैसे पहचानोगे? क्या है कसौटी आपके पास पहचानने की? आपके पास जो भी कसौटियां हैं वो गलत हैं, वो सही कसौटियां नहीं हैं। किसी भी महापुरुष को पहचानने की कसौटी होती है श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, विश्वास, भरोसा, यकीन, समर्पण के भाव। वो हमारे पास नहीं है। ना तो हमारे पास श्रद्धा है, ना हमारे पास निष्ठा है, ना हमारे पास विश्वास है, ना हमारे पास यकीन है, ना हमारे पास समर्पण के भाव है। नख से लेकर चोटी तक आज मनुष्य संदेह से भरा हुआ है, श्रद्धा उसके पास नहीं है। संदेह चलता बहुत है लेकिन पहुंचाता कहीं भी नहीं, श्रद्धा चलती बिल्कुल नहीं है लेकिन पहुंचा देती है। संदेह ने आज तक कभी किसी को मंजिल पर नहीं पहुंचाया और श्रद्धा मंजिल पर ही खड़ी होती है। ओशो को समझने के लिए, क्या मैं कहता हूं किसी भी महान विभूति को समझने के लिए हमारे पास श्रद्धा चाहिए, निष्ठा चाहिए, आस्था चाहिए। मेरी दृष्टि में ओशो भारत की महान विभूति हैं। पहले तो मिलना मुश्किल है, फिर पहचानना मुश्किल है। और यदि पहचान लें तो महान विभूतियों के चरणों में बैठना और भी मुश्किल है। कैसे बैठोगे चरणों में? चरणों में बैठना सबसे ज्यादा कठिन है। चरणों में वही आदमी बैठ सकता है जो अपने अहंकार को नीचे करेगा। चरणों में वही आदमी बैठ सकता है जो अपने अहंकार को तोड़ देगा, गला देगा, अपने अहंकार को मिटा देगा। जब तक हमारे भीतर अहंकार है, हमारे भीतर ईगो है और जब तक हमारे भीतर इस तरह की बातें हैं संदेह की, तब तक हम किसी के चरणों में नहीं बैठ सकते। और यदि कदाचित सौभाग्य से, खुशकिस्मती से आप ऐसे महान विभूति के चरणों में बैठ गए तो अमोघश्च, आपकी जिंदगी बदल करके रहेगी, आपका जीवन परिवर्तन होकर रहेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आपकी जिंदगी बदले नहीं। जो जीवन आप जी रहे हैं फिर ये जीवन नहीं रहेगा, कोई और ही जीवन हो जाएगा। ओशो की वाणी में मिठास है, ओशो की वाणी में माधुर्य है, ओशो की वाणी में रस है, ओशो की वाणी में अमृत है, ओशो की वाणी में चमत्कार है, ओशो की वाणी में जादू है। ओशो मनुष्य को इस तरह खींचते हैं जैसे चुंबक लोहे के टुकड़ों को खींचता है। सैकड़ों वर्षों के बाद कभी कभार इस विश्व में ऐसा फूल खिलता है। सैकड़ों वर्षों के बाद ऐसा फूल खिलता है जिसकी सुगंधि से सारा विश्व महक उठता है। ओशो स्वतंत्र विचारों के प्रज्ञा पुरुष थे, ओशो युग पुरुष थे। ओशो अपने साथ एक बहुत बड़े नवीन युग को लेकर पैदा हुए। ओशो स्वतंत्र विचारों के प्रज्ञा पुरुष थे। आपको मालूम होना चाहिए स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति को तलवार की धार पर नाचना पड़ता है। स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति को प्राणों पर खेलना पड़ता है। स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति को मोम के तुरंग पर चढ़कर आग की सुरंग से गुजरना पड़ता है। स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति को बहुत कुछ सहना पड़ता है। आपको मालूम है जीसस क्राइस्ट स्वतंत्र विचारों के कारण ही क्रॉस पर चढ़े। मंसूर स्वतंत्र विचारों के कारण ही सूली पर लटके। सुकरात स्वतंत्र विचारों के कारण ही उसे जहर पीना पड़ा। गौतम बुद्ध को स्वतंत्र विचारों के कारण ही अपमान सहना करना पड़ा। कबीर को स्वतंत्र विचारों के कारण ही पत्थर खाने पड़े।
महर्षि दयानंद को स्वतंत्र विचारों के कारण ही घेर के घूंट पीने पड़े। स्वतंत्र विचारों के कारण ही ओशो को बहुत बड़ी विपत्तियों से गुजरना पड़ा, बहुत बड़ी आंधियों से गुजरना पड़ा। लेकिन कितने तूफान आए और चले गए, कितने बबंदर उठे और बैठ गए, कितनी आंधियां आई और शांत हो गई। ओशो सदा स्थिर रहे, ओशो सदा अटल रहे, ओशो सदा स्थिर पग की तरह, ओशो जरा भी हिले नहीं, जरा भी डुले नहीं, जरा भी कंपे नहीं और जरा भी घबराए नहीं। देखो, मैं कोई किसी की वकालत करने के लिए यहां नहीं आया हूं, मैं किसी का कोई किसी भी तरह दलाल बनकर यहां नहीं आया हूं, मैं केवल सत्य और तथ्य को प्रकट करने के लिए आया हूं। मैं सन्यासी हूं, सन्यासी को किसी से डर नहीं होता, किसी से भय नहीं होता। स्वतंत्र विचारों को संकुचित समाज सहन ही नहीं कर सकता, तो उसके गले के तले नहीं उतरती हैं ये बातें। उसने जो विचार दिए हैं उस पर उनका चिंतन है, और मैं समझता हूँ जब ओशो के माध्यम से जो महावीर वाणी है वो देश और दुनिया तक पहुँचे, और जो लोग महावीर के बारे में कुछ भी नहीं समझते थे उन्होंने महावीर के चिंतन को समझा और उनको समझ करके पाया कि वो कौन थे, कितने बड़े थे, क्या उनका जीवन था, क्या विचार था। उसने ये काम बहुत बढ़िया किया है, इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि महावीर और अन्य महापुरुषों पर उन्होंने चिंतन विचार करके दुनिया के सामने रखा और उनके विचारों को पूरी दुनिया के सामने फैलाया, इस बात के लिए तो उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए।